Hello? Oh my God! What the fuck is that? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको दो हॉरर सच्ची घटनाएं बताने जा रहे हैं। नंबर एक, डरावनी दुल्हन। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूं जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूंगा और बोलता भी क्यों नहीं। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी, और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी, गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे, और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूं। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूं। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया, लेकिन ये गांव वो हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यहां मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूं जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। वैसे दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। नंबर 2, डायन के बदले की आग। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहां पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहां पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहां पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहां एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई।
आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहां पर कुल 44 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहां पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहां पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहां के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहां पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहां की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता, हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुद्ध कर देखा तो कोई नहीं था। लोगों का मानना है कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहां अपना बदला पूरा करती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।